बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनस मीडिया में। मेहराज सौरभ देख रहे हैं सोनस मीडिया यूट्यूब चैनल। आज वीडियो में बात करेंगे बिहार में BA LLB या LLB कोर्स करने के लिए जो लगभग पिछले 6 महीने से जो पेंच फंसा था, हाई कोर्ट में मामला था, साथ ही ये कन्फ्यूजन था कि किस LLB जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है बिहार में उसको एडमिशन के लिए मान्यता मिलेगी किस एकेडमिक ईयर के लिए। साथ ही कुछ हद तक कुछ कॉलेज के जो फी होते हैं LLB कोर्स करने के लिए, 3 ईयर और 5 ईयर के कोर्सेज होते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। साथ ही हम आपको फी स्ट्रक्चर बताएंगे कितना पेमेंट लगेगा और क्या होगा एडमिशन का प्रोसीजर। हालांकि कि अलग अलग जो कॉलेजेस है बिहार में जिनको मान्यता दी गई है 21-22 एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेने के लिए, फी अलग अलग हो सकते हैं, एडमिशन की प्रोसेस जो होगी वो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एक एक्यूरेट फी हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बिहार में जितने भी LLB कराने के लिए जो कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उसमें से किस कॉलेज को मान्यता दी गई है 21-22 में एडमिशन के लिए। दैनिक भास्कर में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक बिहार के 17 लॉ कॉलेज को मान्यता दी गई है। आज से 2 दिन पहले की रिपोर्ट है जिसमें 17 लॉ कॉलेज ऐसे हैं जिनको, ऐसे तो शायद 25-26 इसमें से 17 कॉलेज को अनुमति मिली है LLB BA LLB में एडमिशन के लिए। यदि आप देखें कि वो 17 लॉ कॉलेज कौन है तो आप देख सकते हैं यही वो कॉलेजेस है बिहार के जहाँ पर एडमिशन की अनुमति दी गई है 2021 में। आप देख सकते हैं पटना लॉ कॉलेज पटना, अमेठी लॉ कॉलेज स्कूल पटना, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ आप देख पा रहे हैं पटना, ये 17 कॉलेज हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, नहीं तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जा करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस है जिसको लॉ में एडमिशन के लिए अनुमति मिली है। अब बात करते हैं जैसे ही अनुमति मिली उसके बाद से जो मुजफ्फरपुर की कॉलेज है, 2 कॉलेज मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने एडमिशन की तारीख और फी स्ट्रक्चर भी जारी कर दी। एडमिशन भी वहां पर शुरू हो गया है, एक कॉलेज में शुरू हुआ है, एक कॉलेज में अभी नहीं हुआ है। हालांकि जो कॉलेजेस है उनके तारीख एडमिशन के अलग अलग है, इसलिए एक में शुरू हुआ एक में नहीं शुरू हुआ। आप देख पा रहे हैं रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज जो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है और अफिलिएशन इनकी बिहार यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर 3 ईयर LLB कोर्स जो ग्रेजुएशन बेस पर होता है, 5 ईयर जो होता है इंटर बेस पर, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन इन्होंने 3 ईयर LLB कोर्स के लिए एडमिशन की तारीख जो तय की है वो है 28 जनवरी से 11 फरवरी तक यहाँ पर एडमिशन होगा। ये ग्रेजुएशन बेस पर होगा। आपको यदि इसमें एडमिशन लेना है तो कहा गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है वो उसका आपको जीरोक्स लेकर के जाना है, साथ ही आपको तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन के लिए आपको लेकर के जाना है। आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड मांगा गया है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, इंटर का मार्कशीट मांगा गया है और ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांगा गया है। कहा गया है ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 45% अंक होना ही चाहिए कोई भी फैकल्टी से आप हो। उसके बाद से ग्रेजुएशन का CLC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो फिर आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, यदि आप यहीं से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो फिर आपको माइग्रेशन नहीं देना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं 2 पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है और यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फी जो है वह ₹1,000 बताया गया है और एडमिशन फी जो है 24,000 सालाना आपको पे करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर्म के लिए ₹1,000 रखे गए हैं और एडमिशन फी जो है सालाना 24,000 है। तो यदि आप इंटरेस्टेड है और यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 28 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। वही हम बात करें, आप देख पा रहे हैं इस कॉलेज की, आप देख पा रहे हैं श्री कृष्णा जुबली लॉ कॉलेज जो भगवानपुर में है। यहाँ पर आपको LLB 3 ईयर और BA LLB 5 ईयर दोनों में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर दी है। इसमें जो एडमिशन हो रहा है 21 जनवरी से एडमिशन शुरू हो गई है और लास्ट डेट यहाँ पर है 4 फरवरी। अब यहाँ पर हम बात करें यदि आपको BA LLB जो 5 साल का कोर्स है उसको यदि करना है तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या मांगा जा रहा है और क्या प्रोसीजर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर 3 ईयर वालों के लिए है तो जो नियम जो इससे पहले वाले मैंने आपको नोटिस में देखा है 3 ईयर वाले जो ग्रेजुएशन बेस पर करेंगे उसके लिए और जो डॉक्यूमेंट है वो सभी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल वही है आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 5 ईयर वालों के लिए जो इंटर बेस पर है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि 5 ईयर LLB कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट, उसके साथ ही इंटर का मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों
और ऊपर आप देखेंगे एक पॉइंट और है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जो है एडमिशन के वक्त दिखाने होंगे। हालांकि आपको उस वक्त जीरोक्स ही लिया जाएगा। अब इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल भी जमा करवा लेती है या सिर्फ वेरिफिकेशन कर करके देख करके वो दे देती है, जीरोक्स ले लेती है या इन सभी को। कभी कभी होता है कुछ कॉलेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर ये रिटर्न कर दिया जाता है ओरिजिनल तमाम डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ ही मार्कशीट आपको इंटर का ले जाना होगा, 45% अंक आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। उसके साथ ही इंटर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यदि आप CBSE बोर्ड से हैं या आप कोई और बोर्ड से हैं तब वहीं आपसे इंटर का CL से भी मांगा जा रहा है और 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कहा गया यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वहीं आधार कार्ड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। और यहां पर जो कहा गया है आप देख सकते हैं एडमिशन फी फॉर बोथ आप LLB करें या BLLB करें, उसकी जो सालाना चार्जेस रखी है वो 25,000 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फी के बारे में तो खैर यहाँ पर बात नहीं किया गया है। अब इन्होंने क्या एडमिशन फॉर्म फी तय की है आप जाकर के कॉलेज में आप पता कर सकते हैं। तो बिहार के लगभग जितने भी लाख कॉलेजेस हैं सभी को जो 17 कॉलेजेस हैं जिसकी मंजूरी दी गई है उसको मंजूरी मिलने के बाद सभी कॉलेजेस ने नोटिस निकालना शुरू कर दी है। तो आप जा करके आप जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर जा करके नज़दीकी आप बात करें, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है और डायरेक्ट एडमिशन लिया जा रहा है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।